सबसे पहले तो मंजुला जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से कि आपने यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर फर्स्ट रैंक है वो हासिल की और उस एग्ज़ाम को वो टॉप किया आपने। इससे थैंक यू सो मच। ये सब मैं आपके आशीर्वाद का फल है सर, और आप मेरे साथ साथ आपकी भी बहुत कड़ी मेहनत का फल है सर। ये पिछले 2.5 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। इन 2.5 साल में मैंने तो मेहनत की, पर आपने मुझसे मेहनत करवाई और बहुत अच्छे से मेहनत करवाई, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। हमारी खुशी का तो आज कोई अब वो ठिकाना ही है वो नहीं रहा। मैंने सुबह सुबह जब 5 बजे के आसपास मैसेज देखा सिलेक्शन का और वो भी फर्स्ट रैंक से, फिर भी भरोसा नहीं हुआ मुझे। तो मैंने रिजल्ट उसको ओपन करके भी देखा तो उस पर फर्स्ट रैंक पे मंजुला नाम भी है वो दे रखा था। तो फिर इतने में मंजुला जी का फ़ोन भी आ गया, अब जो ही मैसेज सीन हुआ दो तो सुन के और बहुत है वो अच्छा लगा। हाँ, सिलेक्शन की मुझे अपेक्षा थी कि ये एडीजे आर वो राजस्थान का एडीजे भी मंजुला जी ने लिखा है तो राजस्थान में भी ये एडीजे में सेलेक्ट हो सकते हैं ऐसा या वो मेरा मानना था, बट ये टॉप कर जाएंगे ये तो ईश्वरीय कृपा और इनकी मेहनत और लगन का है वो परिणाम है। थोड़ा सा मैं मंजुला जी के बारे में बता देता हूँ कि इस संस्थान में इनका जुड़ाव है वो कब से हुआ। जब 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था, भयंकर जब कोरोना चल रहा था उस पीरियड में हमने कोचिंग यहाँ से बंद कर रखा था और हम घर से पढ़ा रहे थे, तब मंजुला जी और इनके ब्रदर पहली बार मेरे से मिलने के लिए घर पे आए थे और वहीं से बस इन्होंने एक ही बात कही कि सर आप तो शरण दे दो और सिलेक्शन करवा दो हमारा। कई बार हमने जो है वो दिल्ली जुडिशियल का मेंस लिख दिया, यूपी जुडिशियल का मेंस है वो लिख दिया, हायर जुडिशियल के मेंस है वो लिख दिए, बट मेंस हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कई काफ़ी टाइम से। तो मैंने आश्वस्त किया कि मैं बिल्कुल मेहनत करूंगा आप लोगों पे, मेंस की आप टेस्ट सीरीज लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, लिख के चेक करवाइए, और प्रीलिम्स की भी आप टेस्ट सीरीज लीजिए। जजमेंट राइटिंग का जो है हमारी क्लास थी एक एमपी जुडिशियल के लिए उस समय, तो वो क्लास भी मंजुला जी ने ली, जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग। और फिर मैंने जब एडीजे के लिए प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के लिए क्लासें चलाई थी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए थे, सीधे प्रश्न उत्तर के रूप में वो मेन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए थे, और उसमें मंजुला जी का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। उस दिन भर तो आरजेएस का रिक्रूटमेंट आया हुआ था तो 3 से 4 क्लासें चलती थी यहाँ कोचिंग के अंदर, तो वो क्लासें लेते थे हम, और रात में मैं जाके एडीजे की क्लास लेता था 8 बजे से, कभी 8:30 से, कभी 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12-12 बजे तक मेरी क्लास ली हुई है। तो ये रोज़ पेपर मैं इनको भेजता था मेंस का, और सारे स्टूडेंट्स जो एडीजे के 100+ स्टूडेंट जुड़े हुए थे अपने कोचिंग से, अभी अवेटेड है एडीजे मेंस का है वो एग्ज़ाम। ईश्वरीय कृपा से एडीजे में भी रिजल्ट अपना बहुत बेहतर है वो आएगा। तो स्टूडेंट्स ने खूब मेहनत की उस पीरियड में, 2 से 3 मंथ्स का जो पीरियड था उसके अंदर रोज़ ये लोग है वो दिन में लिखते थे आंसर्स, रात को मैं इनको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से करेक्ट करता था कि इस प्रश्न का राइट आंसर है वो मेन एग्ज़ाम के पर्पस के लिए क्या होगा, और उस पर हम डिस्कशन भी करते थे, केवल पढ़ाते नहीं थे, इंटरेक्टिव भी था। किसी प्रश्न को लेके आपको दिक्कत आई हो स्पेशली तो बताइए आप लोग, तो उस पर हम लोग बात भी करते थे। और वहीं से मुझे लग गया था कि मंजुला जी की तैयारी है वो अच्छी है, लगन अच्छी है और ये सिलेक्शन तक जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने लगातार है वो प्रयास किया और उसका परिणाम आज आप लोगों के वो सामने है। यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज राजस्थान से भी बाहर है वो जाकर और इन्होंने टॉप किया जो है, राजस्थान का जो झंडा फहराया उन्होंने, या वो गौरवान्वित होने का राजस्थान स्टेट को जो है वो एक पल दिया, एक मोमेंट है वो, मोमेंट है वो दिया है, तो ये इससे बड़ी और वो कोई खुशी है वो हो नहीं सकती। इसके लिए अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इस बार जब सारा आरजेएस का रिजल्ट आया तो जो टॉप रैंकर था, फर्स्ट रैंकर जो भी गर्ल्स कैंडिडेट थी, तो मैं वहाँ पर मेरे किसी स्टूडेंट का नाम नहीं देखकर थोड़ा सा हताश जरूर हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी टॉप रैंकर अपनी इंस्टीट्यूट से नहीं निकला। ईश्वर ने उस कमी को जो है वो यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर है वो टॉप रैंकर है वो सेलेक्ट करवा के और पूरी की है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए वो ईश्वर का भी और मंजुला जी की मेहनत का भी।
थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी मंजुला जी के बारे में मुझे ध्यान में है कि इनका कुछ जीवन यूएसए में है वो रहा, और उसके बाद जो है वो यहाँ वापस भारत है वो शिफ्ट हुए ये, और उसके बाद इन्होंने प्रिपरेशन की और हरियाणा में ये एपीपी के रूप में कार्यरत हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में। तो इतना सा मुझे वो ध्यान में है। बाकी मंजुला जी स्वयं बताएंगे कि इनका जो सफलता की ये यात्रा है वो यूपी एडीजे में फर्स्ट रैंक से सिलेक्शन तक की है वो क्या रही, इनका है वो जीवन किस दौर से है, वो गुजरात किस तरीके से सफलता अर्जित की, और इससे पहले इन्होंने कितने वो मेन एग्ज़ाम लिखे है वो हायर जुडिशल सर्विसेज में और सिविल जज कैडर के अंदर, मंजुला जी से है वो जानते हैं। बताइए मंजुला जी, कैसा है वो, क्या आपकी सफलता की है वो यात्रा को ब्रीफ करिए, स्टूडेंट्स है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन सब सुन रहे हैं आपको। सर सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, तो बहुत छोटा शब्द है सर, मैं अपनी सफलता का सारा श्रेय आपके चरणों में अमृत अर्पित करती हूँ। थैंक यू। क्योंकि हाँ जी सर, क्योंकि मैं मेंस तो लिख रही थी पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, ये मेरा 9वां मेंस था लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी को मिला के, तो बस मेरी आखिरी होप आप बचे थे और मैं आपके पास पहुंच गई। आपका बहुत नाम सुना था मैंने, तो बस मैंने तो यही कहा था आपको कि सर मैं तो आपको समर्पित कर रही हूँ, अब जैसे आप मुझे गाइड करोगे मैं ब्लाइंडली फॉलो करूँगी। और सर ऐसा ही हुआ, आपने कड़ी मेहनत करी, कितनी बार तो रात के 11:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं और क्लास चल रही है, और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ लूँ, अपनी क्योरीज डिस्कस करूँ, और इस दौरान कई बार मुझे पता है बहुत से बच्चे इरिटेट भी हो जाते थे, आप भी समय के अभाव में कई बार टोकते भी थे, और क्लास के बाद भी आप मुझे फोन करके पर्सनली भी मेरी क्योरीज को आप बताया करते थे, तो इसके लिए तो सर धन्यवाद वर्ड तो बहुत छोटा है आपके लिए, पर सारी सफलता का श्रेय आप ही को जाता है सर, बहुत मेहनत की है, और मैं चाहती हूँ जैसी मेहनत आपने मेरे साथ की और ईश्वरीय कृपा के साथ साथ आज जो परिणाम आया, मैं ही कह रही हूँ हर मेहनत करने वाले बच्चे को आप ऐसे ही परिणाम दें। यस यस, यूएसए का जो आपका जो सफर था और इंडिया में शिफ्ट होना, थोड़ा सा हम उस पर भी है वो चाहेंगे कि कितने संघर्ष के दौर से गुजरे हैं आप इस मुकाम को हासिल है वो करने तक, वो कुछ ब्रीफ आप है वो 2-4 मिनट में बताएं अपने बारे में, आपके जीवन के बारे में भी। सर मैं बेसिकली जयपुर की हूँ, स्कूलिंग जयपुर से हुई, उसके बाद सोफिया कॉलेज अजमेर से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और उसके बाद मैं लीड्स बिजनेस स्कूल यूके में एमबीए करने चली गई, और वहाँ पे मैंने 2 साल बैंक में जॉब भी किया, उसके बाद मैं इंडिया वापस आने का मैंने प्लान किया कि नहीं कुछ अपने देश के लिए करना है और कुछ वहीं रह के करना है। फिर सर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन किया, और LLB करने के बाद मेरी शादी हो गई, और साथ साथ मैं पढ़ाई कर रही थी, दो बच्चे हैं मेरे, और बेटे को 1 साल का करने के बाद फिर मैंने फाइनली मन बना लिया कि नहीं अब मुझे फुल फ्लैश तैयारी करनी है, तो इस दौरान मेरा ADA में सिलेक्शन हो गया हरियाणा में, और उसके साथ साथ फिर मैं तैयारी कर रही थी पर मुझे गाइडेंस सही नहीं मिल रही, मुझे यूं लग रहा था कि सब कुछ खुद करना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी कमियों को नहीं जान पा रही कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, और तो फिर मुझे मैंने ऑनलाइन आपके कुछ वीडियोस देखे और आपका नंबर लिया, और इस तरह मैं आपके संपर्क में आई, और उसके बाद मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कई बार तो मुझे यूँ लगता था कि मैं थक रही हूँ पर मुझे लगता सर तो नहीं थक रहे, सर सुबह से शाम तक क्लासेस ले रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी लेवल था सर वो मुझे बहुत प्रेरित करता था कि रात के 11 बजे भी वही सेम एनर्जी है, आप वैसे ही हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और आपने जो मेंस सॉल्व करवाए, एक तो क्वेश्चंस देते थे साथ में हमसे मेंस सॉल्व करवा के एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में आपने डिस्कस किया, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जो मुझे नहीं आता था और हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, और बेस्ट पार्ट ये था कि उसके साथ साथ आप ये भी कह देते थे कि ये आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन केस आएगा तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, वर्बली भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस का कि भाई ये इससे बाहर वैसे तो कुछ नहीं है पर मैक्सिमम इससे ज्यादा ये भी पूछ सकते हैं, तो मैं उनसे भी कोशिश करती थी फटाफट लिख लूं,
पर सर जो आपने पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं था, ये वाकई आपके जो शब्द थे वो पत्थर की लकीर थे और वही सच साबित हुआ सर। तो सारा क्रेडिट मैं आपको देती हूँ और बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है पर थैंक यू आपकी जो मेहनत है सर स्टूडेंट्स ऐसी चीज मैंने कहीं नहीं देखी। मंजुला जी, जो स्टूडेंट्स आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हायर जुडिशियल सर्विस के लिए कर रहे हैं राजस्थान में, एमपी में, यूपी में या हरियाणा में, या सिविल जज कैडर की है वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज है वो देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको तैयारी को लेके? सर मैं सबको यही कहना चाहूंगी, एक तो देखो गुरु में विश्वास होना बहुत जरूरी है और गुरु में विश्वास के साथ जो आप इन बच्चों को बता रहे हैं वो ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करना चाहिए। और अगर जो रेगुलर आप जो रोज का टास्क दे रहे हैं अगर वो टाइमली पूरा कर लेते हैं तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मेन है आपको रेगुलरली फॉलो करना, ब्लाइंडली फेथ रखना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है सर। और यही है, मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करे और गुरु जी का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे, सबसे जरूरी आशीर्वाद है। और एकलव्य को भी गुरु की आवश्यकता हुई थी, तो गुरु के बिना तो देखो कोई भी मंजिल हासिल हो ही नहीं सकती। तो आप अपने गुरु जी में विश्वास रखिए, चारण सर पे फेथ रखिए और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, मेरा ऐसा मानना ही नहीं पूरा विश्वास है। और आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजुला जी, आपको हमारी तरफ से भी वो उज्ज्वल भविष्य की वो शुभकामना। आप अच्छे वो न्यायिक अधिकारी के रूप में यूपी में वो कार्य करें और जो भी है वो आप अधिकतम ऊंचाइयों को वो छुए, हाई कोर्ट जज वगैरह में आपका है वो एलिवेशन हो। अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं थैंक आपको, आपके परिवार को। थैंक यू। यू सर, आप कीजिए।